हेलो दोस्तों, ये डीआई का अंतिम क्लास होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का ये अंतिम क्लास होगा। इससे पहले जितने भी हम डीआई के क्लास ले चुके हैं सारे टाइप को कवर कर चुके हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट में डीआई से 20 सवाल आने वाला है। आज हमारे सातवां टाइप है, सातवें टाइप से पिछले जितने भी 6 टाइप का सवाल था सारे टाइप को हम पढ़ा चुके हैं, ये सातवां टाइप है। इससे कैसे एग्जाम में सवाल बनता है, इस टाइप का नाम है ओगिव, यानी कि संचयी बारंबारता वक्र। यानी कि इस टाइप से सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं, उस सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरा चैनल भले ही छोटा है लेकिन इस पर जो कंटेंट मिलेगा बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। आप लोगों को जीरो से लेकर के हाई लेवल तक सवालों को डिस्कस करेंगे और सिर्फ एग्जाम के, ताकि पता चले कि हाँ इस चैप्टर से ऐसे सवाल बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये अभी डीआई चल रहा था, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, सीधे एडवांस मैथ तक ले चलेंगे। एडवांस मैथ मतलब ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए। तो आइए देखते हैं इस टाइप से एग्जाम में कैसा सवाल आता है। तो हमारा सवाल है, निर्देश दिया है कि नीचे दिया गया संचयी बारंबारता वक्र एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इस वक्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। स्टेट एग्जाम्स में सवाल आ चुका है, तो आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा बारंबारता वक्र होगा, यानी कि ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा। इधर प्राप्तांक है और इधर विद्यार्थी हैं। प्राप्तांक की बात करें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और विद्यार्थियों की हम बात करें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमारा प्राप्तांक था और ये हमारा विद्यार्थी थे। यदि हम बात करें तो 10, 20 का मतलब क्या होगा, तो 10, 20 का मतलब ये है कि ये 10 हमारे प्राप्तांक हैं और 20 छात्र हैं, क्योंकि 20 के सामने 20 है और 10 के सामने 10 है। ये 20 और 38 का मतलब है कि 20 हमारा प्राप्तांक है और 38 छात्र हैं, और 30-45 का मतलब है कि 30 प्राप्तांक है और 45 छात्र हैं, 40 प्राप्तांक है और 57 छात्र हैं, 50 प्राप्तांक है और 70 छात्र हैं, और 60 प्राप्तांक है और 100 छात्र हैं। तो आइए देखते हैं इससे सवाल क्या बनता है। सवाल नंबर पहला क्या है, देखिए बोला है कि प्राप्तांक वर्ग 40 से 50 में कितने विद्यार्थी हैं। प्राप्तांक वर्ग 40 से 50 में कितने विद्यार्थी हैं, तो 40 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी, एक बार आप ट्राई करिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम सवाल को कैसे करें, अप्रोच क्या होना चाहिए, सोचिए। चलिए तो 40 से 50 यानी कि प्राप्तांक 40 से 50 में कितने विद्यार्थी, साफ साफ दिख रहा है। कैसे सवाल को पकड़ते हैं भाई, 40 से 50 प्राप्तांक बोला है, तो 40 वाला प्राप्तांक कौन है, ये 40 वाला प्राप्तांक इसके सामने 40, यानी कि 40 वाला प्राप्तांक ए है और 50 वाला प्राप्तांक क्या है भाई, ए है। तो 40 वाले प्राप्तांक के साथ कितने विद्यार्थी हैं, 57 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं भाई, 57 विद्यार्थी हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 40 वाले के साथ 57 विद्यार्थी हैं और 85 प्राप्तांक वाले के साथ कितने, 70 विद्यार्थी हैं, यानी कि 70 विद्यार्थी हैं। तो बोला है कि 40 से 50 में कितने विद्यार्थी हैं, हम 40 से अगर 50 में अगर हम जाएं तो इसमें से जो विद्यार्थी 70 में से अगर 57 में निकाल देता हूँ, 70 माइनस 57 बराबर 13, 13 ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो 40 और 50 के प्राप्तांक में वैरी करते हैं। 40 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 13 विद्यार्थी हैं। इसको डिफरेंस करेंगे हम तो 13 आ जाएगा, ये 13 ही विद्यार्थी हैं जो 40 और 50 के प्राप्तांक के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल आपके सामने है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 20 या 20 से अधिक, यानी 20 वाले प्राप्तांक के स्टूडेंट्स को मिलेंगे, 20 या 20 से अधिक लेकिन 50 से कम है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, 20 या 20 से अधिक, एक बार बताओ 20 प्राप्तांक वाले कौन सा है, 20 से 20 या 20 से अधिक, यानी कि ये प्राप्तांक हमारा हो जाएगा 20 से 20 या 20 से अधिक, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 38,
यानी कि 20 वाले प्राप्तांक में कितने विद्यार्थी हैं? 38। अब क्या बोला है, 50 से कम, तो 50 वाला प्राप्तांक कौन है? 30 वाला, ये 40 वाला, ये 50, यानी कि 50 वाला प्राप्तांक में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 70। तो बोला है कि 20 या 20 से अधिक और 50 से कम वाले प्राप्तांक में कितने विद्यार्थी हैं? तो विद्यार्थी इसमें 38 थे, इसमें कितने हैं? 70। डिफरेंस अगर लिया जाए कि 70 में से अगर 38 में निकाल दूं तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 20 से अधिक और 50 के बीच में? बीच में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 70 में से 38 अगर मैं घटाऊंगा, डिफरेंस हो जाएगा 32। 32 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्राप्तांक 20 या 20 से अधिक और 50 से कम है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे हमारे क्या होते हैं, ओगी यानी कि संचयी बारंबारता वक्र से ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। आपको समझ में आया बात? 20 या 20 से अधिक का मतलब क्या है, यानी कि 20 वाले प्राप्तांक में कितने विद्यार्थी हैं? 38। और 50 में कितने हैं? 70। यानी कि 70 और 38, यानी कि इसके बीच में जितने विद्यार्थी होंगे वो 20 या 20 से अधिक और 50 से कम वाले प्राप्तांक में वैरी करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा सवाल इसमें से क्या पूछा है। तीसरा सवाल बोल रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 30 या 30 से अधिक हैं, यानी कि 30 वाले प्राप्तांक में विद्यार्थी जो होंगे उसको मिलेंगे 30 या 30 से अधिक। एक बात बताइए कि प्राप्तांक 30 वाला कौन सा दिख रहा है? प्राप्तांक 30 के सामने 30, यानी कि 30 वाला प्राप्तांक ये दिख रहा है। तो बोला है कि 30 या 30 से अधिक कितने विद्यार्थी हैं? तो 30 से अधिक कितने विद्यार्थी हैं भाई? यहाँ तक विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी तक। 30 से अधिक कहाँ तक विद्यार्थी गए हैं? 100 हमारा लास्ट है, यानी कि 30 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो लास्ट विद्यार्थी कितने हैं? 100। और यहाँ तक कितने हैं? 45। ये 100 में से अगर हम 45 को अगर निकाल दें, यहाँ पर निकाल देता हूँ, 100 विद्यार्थी टोटल हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से 30 में कितने? 45। 100 में से अगर हम 45 को अगर निकाल देंगे तो कितने विद्यार्थी बचेंगे भाई? 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 30 या 30 से अधिक है। तो 55 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 30 या 30 से अधिक हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। यानी बात समझ में आई कि नहीं? बोला है कि 30 या 30 से अधिक प्राप्तांक वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो 30 या 30 से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थी यहाँ पर 60 प्राप्तांक तक लेकर के, यानी कि 100 विद्यार्थी इसमें हैं और यहाँ पर 45 विद्यार्थी हैं। तो 30 से 60 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 55। तो 55 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका प्राप्तांक 30 है या 30 से अधिक है। आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या बोला है इसमें। चौथा सवाल आपके सामने है कि प्राप्तांक वर्ग 10 से 20 तथा 50 से 60 में विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। एक बार ट्राई करिए। बोला है कि प्राप्तांक वर्ग 10 से 20 तथा 50 से 60 में विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। एक बार ट्राई करो, आप वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई करिए कि सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। प्राप्तांक वर्ग 10 से 20, तो प्राप्तांक 10 इधर है और प्राप्तांक के अंदर 20 है, और 10 और 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 10 और 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो 38 में से 20 अगर निकाल देंगे तो 18 विद्यार्थी ये हो जाएंगे, यानी कि 10 से लेकर के 20 के बीच में 18 विद्यार्थी हैं। और 50 से लेकर 60, यानी कि प्राप्तांक 50 ये दिख रहा है और 60 दिख रहा है, तो 50 और 60 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 100 और 70 से निकाल दोगे 30, यानी कि 50 से 60 में हमारे पास 30 विद्यार्थी हैं। इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या होता है? 18:30 करोगे जब, तो कितना हो जाएगा? कर दे 36:18 और 56:30। 3:5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 3:5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका और इसमें से सवाल क्या बोला है। इसमें सवाल जो और पूछा है उस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका संचयी बारंबारता वक्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे सवाल आता है, कैसे सवाल को लगाने का कौन सा बेस्ट अप्रोच होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए देखते हैं कि पांचवा सवाल क्या बोला है। पांचवा सवाल बोल रहा है कि किस प्राप्तांक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। किस प्राप्तांक वर्ग में
विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। आपको ऑप्शन दिया है 10, 20, 20, 30, 40, 50, 50, 60। इस सवाल को आंसर आप ऑप्शन की सहायता से ही लगा सकते हो। बोला किस प्राप्तांक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, तो हम 10-20 में चेक करते हैं कितने विद्यार्थी हैं भाई। 10 से लेकर के 20 प्राप्तांक, 10 से लेकर के 20 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 से लेकर के 20 में 18 विद्यार्थी हैं, 18 निकाल लेंगे यहाँ पर। 20 से लेकर के 30 कितना है, 45, और 38 निकाल दो, 38 दो 40, 7 विद्यार्थी हैं। 40 से 50 प्राप्तांक में कितने, 57 में से 70 घटाओ कितना हो जाएगा, 13। और डी वाले में चेक कर लेंगे 50 से 60 के बीच में कितने हैं, 30 हैं। तो आपसे क्या बोला है भाई कि किस प्राप्तांक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, तो कहाँ से दिख रहा है, 20 से 30 वाले प्राप्तांक में मात्र 7 विद्यार्थी हैं, 20 से लेकर के 30 वाले प्राप्तांक वर्ग में सिर्फ 7 विद्यार्थी हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा रहता है आपका बारंबारता वक्र से सवाल, ये बात समझ में आएगी नहीं कि 20 से 30 वाले में सिर्फ 7 विद्यार्थी हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बारंबारता वक्र था, इससे ऐसे सवाल बनते हैं, सवाल एग्जाम में आते हैं। आज से हमारा DI ख़त्म, DI का जितने भी टाइप थे हम लोग सारे टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि आप पढ़ लोगे तो आपका DI में कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम बैठो सारे DI के सवाल आप कर सकते हो, लेकिन UP SSC PET इसमें 20 सवाल आने वाले हैं, इसलिए आप पूरे टाइप को अच्छे से क्लियर करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर किसी बुक में आपको DI का सवाल मिल जाए तो वहाँ से करिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे से PDF मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा। लेकिन आप DI को कंप्लीट करिए, इसके बाद हम अर्थमेटिक के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। भले ही हमारा चैनल छोटा है, लेकिन इस पर कंटेंट बहुत ही मज़ेदार मिलने वाला है आपको, हर एग्ज़ाम में इस कंटेंट से सहायता मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, आप स्वस्थ रहिए और वैक्सीन लगवा करके आप तैयार रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है, मे बी चांस है कि अलाउड कर दे कि विदाउट वैक्सीन वाले कैंडिडेट एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि आप वैक्सीन लगवा करके पहले से तैयार रहिए, और वैक्सीन लगवाने से आपको ही मजबूती मिलेगी, आपको ही सुरक्षा मिलेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।